वेलकम टू कुकिंग एक्सप्रेस 21। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी चिली मोमोज की रेसिपी। ये ऊपर से खाने में जितना क्रिस्पी, अंदर से उतना सॉफ्ट लगता है। तो मैंने इसे कैसे बनाया है ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें मोमोज का डो तैयार करना है, जिसके लिए मैंने हाफ कप मैदा और हाफ कप आटा लिया है। यहाँ आप सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अब स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ एक कप पानी लिया है, उसे थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे जितना ज़रूरत हो। यहाँ हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, जैसा रोटी बनाने का होता है बिल्कुल उतना सॉफ्ट होना चाहिए। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ सारा ना डालें। अब थोड़ा सूखा आटा डालकर इसे अच्छे से 10 मिनट तक नीड करेंगे। आप देख सकते हैं डो कितना सॉफ्ट हो गया, इसे ऊपर से स्मूथ कर लें। अब इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रखना है। ऊपर से थोड़ा ऑयल लगा लें जिससे आटा सूखे नहीं, और इसे गीले कपड़े से ढक कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए हाई फ्लेम पर 2 टेबलस्पून ऑयल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो 1 टेबलस्पून बारीक कटी अदरक, लहसुन और मिर्च डालकर 1 मिनट तक भून लें। जब कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसमें आधा कप प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और 1 कप पत्ता गोभी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हाई फ्लेम पर ही रखना है। इस स्टेज में हमें नमक नहीं डालना है, वरना सब्जी ओवर कुक हो जाएंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर ले और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दे। सब्जियों को हमें सिर्फ 5 मिनट तक भुनना है। अब मोमोज की स्टफिंग रेडी है। आधे घंटे बाद डो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसे एक बार और मिला ले। अब छोटी छोटी लोई लेकर हाथों से इस तरह स्मूथ कर ले। अब थोड़ा सूखा आटा लेकर इसे राउंड शेप में बेलना है। इसे बिल्कुल पतला बेलें। अब किसी ग्लास या कटोरी से इसका राउंड शेप कट कर ले ताकि साइज इवन हो जाए। इसी तरह से सारी रेडी कर ले। अब जो स्टफिंग हमने बनाया था वो ठंडा हो गया है, अब उसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। अब मोमोज का शेप देने के लिए 1 टेबलस्पून स्टफिंग बीच में रखें और इस तरह से प्लेट्स बनाते जाएं। जब सारे प्लेट्स बन जाए तो ऊपर से इस तरह से ट्विस्ट कर लें। अब इसी प्रोसेस से मैंने सारे मोमोज स्टीमिंग के लिए रेडी कर लिए हैं। अब गर्म पानी के ऊपर इस तरह का स्टीमर रख दें। अब सारे मोमोज हम इसमें डालेंगे। बस ध्यान ये रहे कि ऊपर आप जो भी रखें नीचे पानी से टच नहीं होना चाहिए। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए स्टीम कर लें। 15 मिनट बाद मोमोज बनकर रेडी है। अब इसे मैं निकाल लूंगी। स्टीम मोमोज को हॉट ऑयल में फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे बीच बीच में चलाते रहे, गोल्डन ब्राउन हो जाने पे इसे बाहर निकाल ले। अब चिली की ग्रेवी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल में 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन, मिर्च डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए जो मैंने सब्जी यूज किया था उन सभी को थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक भून ले। यहाँ हमें सब्जियों को ओवरकुक नहीं करना है। अब 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड करें। अगर आप तीखा खाना नहीं पसंद करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा नमक डालकर इसे मिक्स कर ले। अब इसमें 4 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस एंड 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करके मिक्स कर ले। अब 2 मिनट बाद मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा पानी ऐड करके ग्रेवी में डाल दिया है।
अब इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, अब फ्राइड मोमोज इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। हमारा क्रिस्पी चिली मोमोज सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स के थ्रू फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुकिंग एक्सप्रेस 21 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे ऐसी रेसिपीज देखने के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।